वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ एससीएल इन स्टमक इज टू। एससीएल का काम क्या होता है, मींस एससीएल जो प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक में वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है। पहला ऑप्शन दिया है किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ फूड, क्या वो फूड के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, या फिर फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, या फिर वो हार्मोन्स को डिसॉल्व करता है बाय द हेल्प ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड, या फिर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं उसमें वो हेल्प करता है, या फिर एक्टिव ट्रिप्सिनोजेन को जो है वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। एससीएल दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है उसका काम क्या होता है, वो बहुत ही हार्ड एसिड होती है। तो फूड की हेल्प से, मतलब इन केस अगर फूड की हेल्प से जो है बैक्टीरिया एंटर कर जाता है तो वो क्या करता है, ये जो एससीएल प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक में वो क्या करता है, वो स्टमक में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उन सबको वो किल कर देता है। तो एससीएल स्टमक के अंदर कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ द फूड। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिलिरुबिन एंड बिलिवेरिडिन आर प्रेजेंट इन। बिलिरुबिन और बिलिवेरिडिन जो है वो कहां प्रेजेंट होता है। पहला ऑप्शन है क्या वो पैंक्रियाटिक जूस के पास प्रेजेंट होता है, या फिर स्लाइबा के पास प्रेजेंट होता है, या फिर बाइल जूस के पास प्रेजेंट होता है, या फिर हमारे इंटेस्टाइनल जूस के पास प्रेजेंट होता है। बिलिरुबिन और बिलिवेरिडिन ये किसके पास प्रेजेंट होता है, ये बाइल जूस के पास प्रेजेंट होता है। ये क्या एक प्रकार का पिगमेंट होता है जो लीवर हमारा सिक्रीट करता है, और ये बाइल जूस में ये बिलिरुबिन और बिलिवेरिडिन प्रेजेंट होता है। तो बिलिरुबिन और बिलिवेरिडिन कहाँ प्रेजेंट होता है, बाइल जूस के पास होता है। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर सिर्फ टू राइट व्हेन। ऑक्सीजन डिसोसिएशन जो कर्व बनाया जाता है वो राइट साइड किस पोजीशन में, किस समय शिफ्टिंग होगी उसकी, किस साइड, राइट साइड। तो पहला ऑप्शन दिया गया है क्या ऑक्सीजन का अमाउंट अगर डिक्रीज हो जाएगा तब जो है ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है वो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर्स डिक्रीज हो जाएंगे, या फिर पीएच इंक्रीज हो जाएगा, या फिर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है वो राइट साइड कब उसकी शिफ्टिंग होती है, जब ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, तब ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में ऑक्सीजन के नंबर्स होते हैं वो लेफ्ट साइड, राइट साइड डिक्रीज हो जाते हैं, मीन्स शिफ्टिंग हो जाती है उसकी। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लोबुलिन प्रोटीन ऑफ ब्लड प्लाज्मा मेनली इन्वॉल्व इन। ब्लड प्लाज्मा के पास क्या होती है, बहुत सारी प्रोटीन प्रेजेंट होती, तो उसमें से जो एक प्रोटीन होता है ग्लोबुलिन प्रोटीन वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, क्या वो क्लॉटिंग में हेल्प करता है, या फिर ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है, या फिर वो डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है, या फिर कोई फंक्शन नहीं परफॉर्म करता है। तो ग्लोबुलिन एल्बुमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है, और फिब्रिनोजेन होता है। फिब्रिनोजेन क्या करता है, वो क्लॉटिंग में हेल्प करता है, और ऑस्मोटिक बैलेंस को कौन मेंटेन करता है, एल्बुमिन करता है, बचा क्या ग्लोबुलिन। तो ग्लोबुलिन क्या करता है, ये डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब होता है जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स, मींस जब कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में इंटर कर जाता है तो ये ग्लोबुलिन क्या करता है, उस पैथोजन को किल करता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लड क्लॉटिंग रिक्वायर। ब्लड क्लॉटिंग को किसकी किसकी जरूरत पड़ती है, क्या उसे Na+ और K+ की जरूरत है, या फिर Na+ या फिर प्रोथ्रोम्बिन की जरूरत होती है, या फिर Na+ और थ्रोम्बोप्लास्टिन की जरूरत है, या फिर उसे कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन की जरूरत है। जब ब्लड क्लॉटिंग होती है तो ब्लड जब मतलब जब कंटिन्यूअस ब्लड क्लॉटिंग हो रही है तो ब्लड को क्लॉट होने के लिए, मीन्स कोगुलेट होने के लिए कैल्शियम की बहुत ही ज़्यादा जरूरत होती, और उसके साथ साथ एक पर्टिकुलर एंजाइम की भी जरूरत होती, और उस पर्टिकुलर एंजाइम का नाम क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम है। तो ब्लड क्लॉटिंग को किसकी किसकी जरूरत होती है, कैल्शियम की जरूरत है, और किसकी जरूरत है, थ्रोम्बोप्लास्टिन की जरूरत है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेगा कैरियोसाइट सेल इज। मेगा कैरियोसाइट सेल क्या होता है। पहला ऑप्शन है क्या आरबीसी प्रोड्यूसर। आरबीसी प्रोड्यूसर जो होता है वो उसे हम इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। उसके बाद क्या है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स क्या होता है, ये प्लेटलेट्स को बोलते हैं, और आरबीसी जो प्रोड्यूसर होता है उसे क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स, और डब्ल्यूबीसी जो प्रोड्यूसर होते हैं उसे क्या बोलते हैं, लीकोसाइट्स,
और प्रोटीन प्रोड्यूसर इससे कोई मतलब नहीं है। तो मेगा कैरियोसाइट जो होता है वो एक स्पेशल सेल होती है जो बोन मैरो में प्रेजेंट होती है और वो प्लेटलेट्स के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो मेगा कैरियोसाइट्स के पास कौन सी सेल प्रेजेंट होती है? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट्स को ही प्लेटलेट्स भी बोला जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच पेयर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस अकर। इन चार में से ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा, ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिससे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस का फॉर्मेशन होता है? पहला ऑप्शन है क्या आरएच पॉजिटिव मेल का होगा और आरएच नेगेटिव फीमेल का होगा तब ऐसी कंडीशन दिखाई देगी, या फिर आरएच नेगेटिव मेल का होगा और आरएच नेगेटिव फीमेल का होगा तब एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस अकर होगा, या फिर आरएच पॉजिटिव मेल और आरएच पॉजिटिव फीमेल होगी, या फिर आरएच नेगेटिव मेल और आरएच पॉजिटिव फीमेल। किस कंडीशन में होता है? जब मेल पॉजिटिव होता है, मेल का आरएच पॉजिटिव होता है, फीमेल का आरएच नेगेटिव होता है, तो उस कंडीशन में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस का फॉर्मेशन होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कार्डिक साइकिल में जो डब साउंड का फॉर्मेशन होता है वो किस समय होता है, हमें कब सुनाई देता है? तो पहला ऑप्शन है क्या मिट्रल वॉल ओपन होती उस समय, या फिर मिट्रल वॉल बंद होती उस समय, या फिर सेमी ल्यूनर वॉल नोड्स होती है वो बंद होती उस समय ये आवाज़ आती है, या फिर आरटीओ वेंट्रिकुलर नोड जो है ये बंद होती उस समय ये आवाज़ आती है। तो ये जो कार्डिक साइकिल है उस समय हमारा हार्ट दो साउंड प्रोड्यूस करता है, एक लब डाउन साउंड होता है और एक डब साउंड होता है। तो लब साउंड कब प्रोड्यूस होता है? लब साउंड प्रोड्यूस होता है जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल क्या होती हैं, क्लोज होती हैं, उस समय ये लब साउंड प्रोड्यूस होता है और यही पहला हार्ट साउंड भी होता है। फर्स्ट हार्ट साउंड इज लब साउंड विच इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल। और डब साउंड कब प्रोड्यूस होता है? जब सेमी ल्यूनर वॉल क्या होती है ये क्लोज होती है उस समय आवाज आती है। ओपनिंग से आवाज नहीं आती है, हमेशा वॉल जब क्लोज होगी तो उस समय आवाज आएगी। तो फर्स्ट हार्ट साउंड कौन सा होता है? लब साउंड होता है। कब प्रोड्यूस होता है? ड्यू टू द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल। और डब साउंड कब प्रोड्यूस होता है? ये प्रोड्यूस होता है जब सेमी ल्यूनर वॉल क्लोज होती है। तो इसमें यही पूछा गया कार्डिक साइकिल के समय हमें डब साउंड कब सुनाई देता है, तो किस समय सुनाई देता है? सेमी ल्यूनर नोड होती है जब क्लोज होती है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। तो हमने सबसे पहला क्वेश्चन है लीवर सेल सिक्रीट, इसमें पूछा गया कि लीवर सेल क्या सिक्रीट करता है, मींस लीवर सेल से किस चीज़ का सिक्रीशन होता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है अमाइलोपेप्सिन, दूसरा ऑप्शन दिया है ट्रिप्सिन, तीसरा ऑप्शन दिया लाइपेज, चौथा ऑप्शन दिया बाइल एंड नो एंजाइम। हमारा जो लीवर होता है वो बाइल सिक्रीट करता है, बट वो बाइल के साथ कोई भी पर्टिकुलर एंजाइम का सिक्रीशन नहीं करता। तो लीवर से किस चीज़ का सिक्रीशन होता है? लीवर से बाइल का सिक्रीशन होता है, बट उससे किसी भी एंजाइम का सिक्रीशन नहीं होता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंजाइम इन्वर्टेज हाइड्रोलिसिस। इन्वर्टेज जो एंजाइम होता है वो किसके हाइड्रोलिसिस में हेल्प करता है? तो पहला ऑप्शन दिया है ग्लूकोज को, क्या वो ग्लूकोज को सुक्रोज में चेंज करता है, या फिर सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज करता है, या फिर स्टार्च को माल्टोज में चेंज करता है, या फिर उसका काम होता है स्टार्च को सुक्रोज में चेंज करना। जो हमारा इन्वर्टेज एंजाइम होता है वो सुक्रोज को किस में कन्वर्ट करता है? वो सुक्रोज को चेंज करता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोटीन आर ब्रोकन डाउन इनटू अमाइनो एसिड इन। प्रोटीन का जो ब्रेकडाउन होता है, हमारा जो प्रोटीन होता है वो किस में ब्रेक डाउन होता? प्रोटीन जो है वो ब्रेक डाउन होता अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन होता है। हमें ये बताना है कि प्रोटीन जो अमाइनो एसिड में चेंज हो रहा है वो किसके अंदर होता है। तो पहला ऑप्शन दिया बकल कैविटी, क्या बकल कैविटी के अंदर होता है, या फिर स्टमक के अंदर होता है, या फिर इंटेस्टाइन के अंदर होता है, या फिर रेक्टम के अंदर होता है। प्रोटीन हमारा ब्रेक डाउन होता है किसमें? अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन होता है, और किसके अंदर होता है? हमारे इंटेस्टाइन के अंदर होता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंट्रोकाइनेज स्टिमुलेट विच ऑफ द फॉलोइंग।
इसमें से इन चार में से जो एंजाइम्स के नाम दिए गए हैं उसमें हमें ये बताना है कि इंट्रोकाइनेज जो है वो किसके स्टिमुलेशन में हेल्प करता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है पेप्सिनोजेन, दूसरा ऑप्शन दिया ट्रिप्सिन, तीसरा है पेप्सिन, चौथा है ट्रिप्सिनोजेन। तो जो इंट्रोकाइनेज एंजाइम होता है वो किसको स्टिमुलेट करता है? ट्रिप्सिनोजेन को करता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंजाइम दैट कैटलाइज द चेंजिंग ऑफ इमल्सिफाइड ऑयल इंटू फैटी एसिड। कौन सा ऐसा एंजाइम है जो फैटी एसिड को, मतलब जो ऑयली सब्सटेंस होते हैं उनको इमल्सिफाई करता है, चेंज करता है किसमें? फैटी एसिड में। तो पहला ऑप्शन दिया पेप्सिन, दूसरा है लाइपेस, तीसरा अमाइलेस, चौथा ऑप्शन दिया है सुक्रोज। तो कौन सा एंजाइम हेल्प करता है? दैट इज लाइपेस। सो द करेक्ट आंसर इज बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब्सटेंस विच आर नॉट रिलेटेड टू हेपेटिक पोर्टल इंटेस्टाइन। इन चार में से ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो कि हेपेटिक पोर्टल इंटेस्टाइन से बिलोंग नहीं करता है? तो पहला ऑप्शन दिया अमाइनो एसिड, दूसरा है फैटी एसिड, तीसरा है ग्लूकोज, चौथा है फ्रक्टोज। अमाइनो एसिड, फ्रक्टोज और ग्लूकोज, ये तीन तो बिलोंग करते हैं बट जो हमारा फैटी एसिड होता है वो हेपेटिक पोर्टल इंटेस्टाइन से, मतलब इसका बिलोंगेशन नहीं होता, वो उससे बिलोंग नहीं करता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइसेक्राइड। इन चार में से ऐसा कौन सा है जो कि डाइसेक्राइड से बिलोंग करता है? पहला ऑप्शन है ग्लूकोज, दूसरा है फ्रक्टोज, तीसरा है सुक्रोज और चौथा दिया है ग्लैक्टोज। डाइसेक्राइड से कौन सा बिलोंग करता है? दैट इज सुक्रोज। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर द लाइसोजाइम आर फाउंड। लाइसोजाइम एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है? पहला ऑप्शन है क्या हमारे स्लाइबा में और हमारे टीयर में प्रेजेंट होता है, या फिर सिर्फ टीयर में प्रेजेंट होता है, या फिर सिर्फ स्लाइबा में प्रेजेंट होता है, या फिर सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। लाइसोजाइम एंजाइम एक ऐसा एंजाइम होता है जो हमारे स्लाइबा में भी प्रेजेंट होता है, साथ साथ में हमारे आइस के टीयर में भी प्रेजेंट होता है। अब इसका काम क्या होता है? लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है वो क्या करता है, अगर कोई भी माइक्रोब्स हमारी बॉडी में इंटर करते हैं तो जैसे फूड की हेल्प से तो स्लाइबा में प्रेजेंट होता है तो वो क्या करता है, उसको किल कर देता है। या फिर अगर कोई भी माइक्रोब्स हमारे आइज में ग्रो करते हैं या फिर इंटर कर जाते हैं तो लाइसोजाइम एंजाइम जो हमारे आइज में प्रेजेंट है हमारे आइज के टीयर में तो उसको वो क्या करता है, किल कर देता है। तो लाइसोजाइम एंजाइम किसमें किसमें प्रेजेंट है? हमारे स्लाइबा में प्रेजेंट होता है, साथ साथ में हमारे टीयर में भी प्रेजेंट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैंक्रियाटिक जूस का नेचर कैसा होता है? पहला ऑप्शन है क्या वो एल्कलाइन नेचर का होता है, या फिर वो एसिडिक नेचर का होता है, या फिर वो न्यूट्रल नेचर का होता है, या फिर पैंक्रियाटिक एंजाइम जो है वो एसिडिक और एल्कलाइन दोनों ही नेचर का होता है। तो जो हमारा पैंक्रियाटिक जूस होता है उसका नेचर कैसा होता है, वो नेचर में कैसा होता है? अल्कलाइन नेचर का होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग ब्रीडिंग द रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर इज कॉल्ड। जब ब्रीडिंग की जाती उस समय जब एंथर को रिमूव किया जाता है तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? पहला ऑप्शन दिया एंथेसिस बोलते हैं क्या उसे, या फिर उसे पॉलिनेशन बोलते हैं, या फिर उसे वेसिकुलेशन बोलते हैं, या फिर वेसिकोटॉमी बोलते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन से प्रिवेंट करने के लिए क्या कराया जाता है? वेसिकुलेशन कराया जाता है। किसमें कराया जाता है? बाइसेक्सुअल फ्लावर में कराया जाता है। क्यों कराया जाता है? ताकि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, उसमें हम क्रॉस पॉलिनेशन करें। क्रॉस पॉलिनेशन ज़्यादा बेस्ट होता है क्योंकि उससे बहुत सारी वराइटीज ऑफ प्लांट का फॉर्मेशन होता है। तो ब्रीडिंग के समय तो जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उसमें से एंथर को रिमूव कर दिया जाता है ताकि उसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन ना हो सके, और उस प्रोसेस को बोलते हैं रिमूवल ऑफ एंथर बाय द हेल्प ऑफ फोर्सेप, और उस प्रोसेस को बोला जाता है इमेसिकुलेशन। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टेक्निक यूज बाय मेंडल फॉर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के लिए मेंडल ने कौन कौन सी टेक्निक का यूज किया था? पहला ऑप्शन है इमेसिकुलेशन, दूसरा ऑप्शन है बैगिंग, तीसरा ऑप्शन है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। मेंडल ने
जब हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक की थी, यूज किया था, अलग अलग वैरायटी का फॉर्मेशन किया था, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट का फॉर्मेशन किया था, तो उस समय मेंडल ने क्या क्या यूज किया था, कौन कौन सी टेक्निक है, इमेसिकुलेशन, मीन्स क्या करेंगे हम, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होंगे उसमें से हम एंथर को रिमूव कर देंगे, उस प्रोसेस को बोलेंगे इमेसिकुलेशन। और एक दूसरी टेक्निक यूज की थी, दैट इज बैगिंग। बैगिंग में क्या किया जाता है, तो जो हमने रिमूव किया एंथर को बाइसेक्सुअल फ्लावर से, उसको क्या करेंगे, बटर पेपर से कवर कर देंगे, उस प्रोसेस को बोला जाता है बैगिंग। तो मेंडल ने दो टेक्निक का यूज किया था, एक तो इमेसिकुलेशन का यूज किया था, दूसरा बैगिंग का यूज किया था। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज बेस्ड ऑन सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स ड्यूरिंग। मेंडल का जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था वो किस पे बेस्ड होता है, उसमें क्या होता है, उसमें एलील्स मतलब जो कैरेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं, मींस उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से उनकी प्रोजेनी में। तो वो किस समय होता है, क्या वो गैमेट के फॉर्मेशन के समय होता है, या फिर सीड के फॉर्मेशन के समय होता है, या फिर पॉलिनेशन के समय होता है, या फिर एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के समय होता है। मेंडल का जो लॉ था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो टोटली बेस्ड होता है कि कैरेक्टर का सेग्रीगेशन कैसा हो रहा है, कैसे हो रहा है, और कैरेक्टर का सेग्रीगेशन कब होगा, जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज गैमेट फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन रेड फ्लावर होमोजाइगस पी प्लांट इज क्रॉस्ड विद अ व्हाइट फ्लावर प्लांट, व्हाट कलर इज प्रोड्यूस इन F1। क्या करना है इसमें, इसमें जो रेड कलर का फ्लावर होगा होमोजाइगस, होमोजाइगस रेड फ्लावर की क्रॉसिंग करानी किसके साथ, व्हाइट फ्लावर के साथ, और फिर देखना हमें बताना है कि F1 जनरेशन का रिजल्ट क्या आएगा। तो होमोजाइगस प्लांट है RR, और इसी का हम क्या लेंगे, रस्सी फॉर्म लेंगे, मीन्स व्हाइट के लिए हम क्या लेंगे, स्मॉल आर। रिजल्ट क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो F1 जनरेशन के जितने भी प्लांट आ रहे वो कैसे होंगे, रेड होंगे। ये जो कैपिटल आर है ये क्या है, डोमिनेंट है, स्मॉल आर क्या है, रिसीव है। तो कैरेक्टर किसका है, हमेशा एक्सप्रेस होता है, डोमिनेंट हमेशा अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है, रिसीव का कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होता। तो F1 जनरेशन के जितने भी प्लांट होंगे वो कैसे आएंगे, रेड आएंगे। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इनिशियल स्टेप इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमन इज कैरिड आउट बाय। सबसे पहले जो जब मिल्क का डाइजेशन होता है बेबी के अंदर, तो उसमें कौन सा एंजाइम हेल्प करता है। पहला ऑप्शन दिया है लाइपेज, दूसरा है ट्रिप्सिन, तीसरा है रेनिन, चौथा दिया है पेप्सिन। रेनिन एंजाइम क्या करता है, ये मिल्क के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो इनिशियल मिल्क के डाइजेशन में ह्यूमन बींग के अंदर कौन हेल्प करता है, कौन सा एंजाइम, दैट इज रेनिन एंजाइम। सो द करेक्ट आंसर इज सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज लीवर इज affected, skin and eye turn yellow due to the deposit iron or bile pigment। ऐसी कौन सी डिजीज है जिसमें हमारा लीवर affected हो जाता है और हमारी स्किन और हमारी जो आईज कलर होती हैं वो येल्लो कलर की हो जाती है, किसकी वजह से ऐसा होता है, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट के स्टोरेज की वजह से क्या होता है, हमें उस डिजीज का नाम बताना है जिसमें हमारा लीवर इफेक्टेड होता है और हमारी जो आईज होती है और हमारी जो स्किन होती है वो येल्लो कलर की हो जाती है। पहला ऑप्शन है, क्या ऐसा वॉमिटिंग में होता है, या फिर ज्वाइंटिस में होता है, या फिर डायरिया में होता है, या फिर जो है डिसेंट्री में होता है। ज्वाइंटिस में क्या होता है, ज्वाइंटिस में हमारा लीवर इफेक्टेड होता है, साथ साथ में हमारी स्किन और हमारी जो आईज होती है वो येल्लो कलर की हो जाती है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द बाइल पिगमेंट। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लैरिंग्स इज मॉडिफाइड पोर्शन ऑफ, लैरिंग्स जो है वो किसका मॉडिफाइड पोर्शन होता है। पहला ऑप्शन है फेरिंग्स का, या फिर ट्रैकिया का, या फिर ब्रोंकस का, या फिर लंग्स का। जो लैरिंग्स है वो मॉडिफाइड पोर्शन होता है, किसका होता है, हमारे ट्रैकिया का होता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्ट्रक्चर विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इन टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, फूड को प्रिवेंट करता है, ताकि वो फूड जो है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक मींस हमारे एयर सैक में ना चला जाए, हमारे रेस्पिरेटरी हमारे विंड पाइप में ना चला जाए, वो फूड पाइप में ही रहे। तो
ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो प्रिवेंट करता है, किससे प्रिवेंट करता है, एंट्री ऑफ द फूड इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक। पहला ऑप्शन दिया फेरिंग्स, दूसरा है लैरिंग्स, तीसरा है ग्लॉटिस और चौथा दिया एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस एक कैप होती है जो हमारे मतलब यहाँ पे फूड पाइप और विंड पाइप के पास प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, प्रिवेंट करती है ताकि हमारा फूड हमारे विंड पाइप में ना चला जाए। सो द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज एपिग्लॉटिस। तो हमने इस पूरे लेक्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में इससे अच्छे अच्छे और भी बहुत सारे एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।